आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक बेंच। हाइड्रोलिक बेंच के हवाले से चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसके पार्ट्स की वर्किंग क्या है, इस हवाले से जो है हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इसका स्विच है, ऑन ऑफ इसका स्विच है। ऑन ऑफ स्विच के बाद ये हमारे पास इसका कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। कंट्रोल वाल्व से हम जो फ्लो होगा उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास साइड ट्यूब है, इससे फ्लो का जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है वो फ्लो आया। ये हमारे पास लीटर्स में दिया हुआ है, जो भी हमारे पास फ्लो होगा वो हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पंप लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो है वो फ्लो को हम प्रेशर, इसमें क्या होता है कि जो पंप है हमारे पास काम करेगा, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी को, पंप का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इसको जो है वो पंप करेगा और फ्लो हमारा जो है वो ऊपर आएगा। ये हमारे पास इनलेट है, इनलेट यहाँ से जो है वो पानी जो है वो हमारा फ्लो ऊपर आएगा। इसके बाद ये हमारे पास ओपन चैनल है, ओपन चैनल। उसके बाद ये हमारे पास है साइड चैनल, और यहाँ पे ये हमारे पास है जी डंप वाल्व है। डंप वाल्व है, इसको हम जो है वो इसको क्लोज़ करेंगे और जो भी हमारा वाटर का फ्लो होगा वो यहाँ से हम जी। उसके बाद ये हमारे पास इसका स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक में जो है वो तकरीबन 250 लीटर का जो वाटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट पे ये इसको मैंने स्टार्ट किया और ये फ्लो हमारे पास चलना शुरू हो गया, और इसका फ्लो मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास जो है वो पानी यहाँ पे हमारे पास स्टोर होगा, जो फ्लो है हमारा यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो हमारा फ्लो होगा वो हम यहाँ से इसको चेक इजीली कर सकते हैं। अब ये इस पर ये तकरीबन ये फ्लो आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी रीडिंग्स वगैरह जो भी है हम इसको चेक कर सकते हैं कि फ़्लो आपने कितना कितने टाइम में कितना फ़्लो आपने रखना है। तो इसके लिए हम काउंट करेंगे, आप टाइम जो है वो स्टॉप वॉच आपके पास होने चाहिए और कितने टाइम में कितना जो है वो वाटर डिस्चार्ज हुआ है। अब इसको मैं ओपन करूँगा। ये हमारे पास डंप वाल्व है। अब ये जो भी हमारा फ्लो आया इसको हम नीचे स्टोरेज टैंक में ये वापस चला जाएगा। तो इस हवाले से हमारे पास अगर किसी को भी कोई भी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में मैसेज कर सकता है।